नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन दास। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड प्राथमिक विद्यालय एससी टोला धोबई स्कूल की, जहां बच्चों को स्कूल की जगह सामुदायिक भवन में पढ़ाते देखा गया, वह भी जर्जर स्थिति में। वही मामले में तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार से जब मीडिया ने बात की तो साहब कहते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करके स्कूल के जमीन को लेकर बात करते हैं। क्या आवेदन? आवेदन अगर बहुत बार दिए, ग्रामीण स्तर से दिया गया है, बहुत अनेक बहुत जगह दिए गए हैं। थोड़ा मोड़ गिर जाएगा। प्राथमिक विद्यालय एससी टोला धवई प्रखंड तारापुर में एक विद्यालय है जो कि जिसका अपना भवन नहीं है। जो मुझे जानकारी मिली है वहाँ के प्रधानाचार्य से जो टेलीफोन पर बात है, उसके पास अपना बिल्डिंग नहीं है। शुरू में उसको मध्य विद्यालय दुबई में टेस्ट किया गया था, लेकिन वहाँ से दूरी पड़ती थी। ग्रामीण द्वारा इसका एक आवेदन वगैरह दिया गया था कि आसपास के किसी बिल्डिंग में ही स्कूल फिलहाल चलाया है। मोतिहारी में तूफान कंपनी की नकली सामान बरामदगी मामले में दो को छतौनी थाने ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि विगत वर्षों से बाजारों में चर्चा रहती थी कि ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामग्री मोतिहारी में खूब बिक रहे हैं। ऐसे में लोग ठगी का शिकार होते थे, जिसको लेकर छापेमारी की गई, जहां 31 पंखा जब्त किया गया और दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तूफान का फैन यहाँ पर डुप्लीकेसी चल रहा है, तो हमारी कंपनी से इन्फॉर्मेशन आई। हम यहाँ पर मार्केट सर्वे किए, मार्केट सर्वे में हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ दुकानों हैं जहाँ पे हमारी डुप्लीकेसी चल रही है। तो पता करने के अनुसार फिर बाद में हम यहाँ आए, थाना अध्यक्ष के मिले। थाना अध्यक्ष ने हमें फिर पुलिस बल दी। पुलिस बल के साथ हमने छापेमारी की। छापेमारी के साथ हमने दो दुकानों में छापेमारी की, जहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में, मतलब तूफान कंपनी के जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स थे, जो पंखे थे, वो हमें कितने जब्त किया है? करीब करीब मैं समझिए तो एक दुकान से हमें 27-28 पीस रिकवरी हुआ है। नालंदा में गिरियक थाना क्षेत्र के घोड़ा कटोरा नदी से अवैध बालू उठाव की सूचना पर गिरियक थाना पुलिस छापेमारी करने पहुंची, जहां पुलिस को आता देख ट्रैक्टर छोड़कर एक युवक नदी में कूद गया। गहरे पानी में कूदने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए पथराव करना शुरू कर दिया, वहीं इसके बाद जिसमें दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। पथराव से थाने के दो वाहन के शीशे भी टूट गए। घटना की सूचना मिलते ही राज्य के एसडीओ अनीता सिन्हा और डीएसपी प्रदीप कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। कितने लोग जख्मी हुए हैं घटना में? अभी तो तीन, एक माथा फूटा हुआ गिरिया के में है और तीन वजह पर है। कुल चार लोग जख्मी हुए हैं। मैंने अभी जानकारी हमको जो कर रहे हैं। अच्छा। भागलपुर ब्लास्ट मामले को लेकर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। कहा कि जिन निर्दोष का घर गिरा है उनके खाने की व्यवस्था पार्टी के स्तर से करने का निर्देश भी दिया गया है। वहाँ पर हम दर्द बांटने गए, आंसू पोंछने गए, बहुत भयावह घटना हुई। 15 लोगों का देहांत हो चुका है। कुछ लोग, चार लोग हॉस्पिटल में थे, मैं उनसे भी मिलकर आया। परिवार के जो पड़ोसी थे उनके भी मकान उड़ गए, तो वो बिना मकान के हो गए और छत उनके सर से हट गया है। और क्योंकि डेंजर है तो इसलिए प्रशासन वो उस मकान को हटा भी रहा है। तो अगर उनका दोष पड़ोसियों का तो नहीं है, उनके लिए क्या इंतजाम होगा, इसके लिए वो मांग कर रहे थे। तीन मांग पत्र उन्होंने दिया। वहाँ जो लोग बचे हैं परिवार के, जो भी उसमें दोषी हो, इसकी जांच हो रही है, प्रशासन पूरी तरह जांच कर रहा है, लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं उनको खाने पीने का इंतजाम, इसके लिए हमने पार्टी के तौर पर वहां निर्देश दिए अपने कार्यकर्ताओं को, वो उसकी चिंता कर रहे हैं। ये घटना बहुत बड़ी है, लेकिन जाँच से पहले कोई अलग राय बनाना सही नहीं है। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना 0 माइल थाना क्षेत्र के फर्टिलाइजर गेट के पास NH 31 की है। बताया गया कि 0 माइल की तरफ से बेगूसराय की ओर जा रहे ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी और कुचलते हुए भाग गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर 0 माइल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मसौड़ी में तारीगना पुलिस ने एक अज्ञात शव को बरामद किया। घटना पटना गया रेलखंड के पोटाही स्टेशन की है, जहां तारीगना रेल पुलिस के द्वारा एक अज्ञात शव को बरामद किया गया। फिलहाल शव की शिनाख्त में तारीगना पुलिस जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना PMCH भेजा गया है। स्टेशन प्रबंधक तारीगना के द्वारा एक मेमो प्राप्त हुआ, जिस पर हमारे थानाध्यक्ष महोदय जाँच का भार मुझे दिए और जाँच के लिए मैं पोटाही स्टेशन गया। पोटाही स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 के दक्षिणी छोर के पॉल संख्या 18/24 18/26 के बीच में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जिनकी शव को उठाकर उचित कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए PMCH पटना भेजे। इनकी मृत्यु स्वाभाविक जैसा प्रतीत हो रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।